बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाने में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, जो कमेंट्स करने के लिए। आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार से चिकन ड्रम स्टिक, उसको मैंने कोट किया बहुत मज़ेदार से बटर हनी सॉस के अंदर। तो मैंने कैसे बनाया आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आए हम आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, मेरे पास है 4 ड्रम स्टिक्स, ठीक है, चिकन लेग पीस जिसको कहते हैं आम जबान में। तो इसको हम कट कर लेंगे, तो यहाँ से इस पर कट करेंगे, लेकिन पहले मैं इन ड्रम स्टिक्स को साइड पर रख दूँ और इस वाली के ऊपर हम वर्क करेंगे। इसके यहाँ पे हड्डी होती है, उसके ऊपर हम कट लगाएंगे, ठीक है, बहुत एहतियात के साथ। हमने इसको ओपन करना, आप चाहें तो आप इसको विदाउट ओपन भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि अक्सर अंदर तक फ्लेवर्स नहीं जाते और हमारा चिकन थोड़ा सा कच्चा भी रह जाता है। तो इस तरीके से मैं सारी ड्रम स्टिक्स को जो ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, सारी ओपन हो गई थी, उसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे, पहले हम सिरका डालेंगे, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून के बराबर हम चिली सॉस डालेंगे, और उसके साथ साथ हम इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट, उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, और उसके साथ साथ हम डालेंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर, और पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर गया इसके अंदर, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और हम इन्हें मिक्स करने के बाद पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएँ। तो हम मिलते हैं आपसे कल। जी दोस्तों, इसको ओवरनाइट हो गया था, तो हम इसके ऊपर डालेंगे 1/4 कप के बराबर दूध, जो इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, इसको मज़ीद जूसी बनाएगा, इसके अंदर फ्लेवर्स लेके आएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा मसाला हो गया होगा तो वो भी जो है बैलेंस हो जाएगा, और ये अंदर तक सॉफ्ट और जूसी होगा, आउटर साइड से क्रिस्पी और अंदर की साइड से जूसी हो जाएगा। तो इसको मैंने कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स, और हम इसकी कर लेते हैं ब्रेडिंग रेडी, ठीक है, यानी जिस पर जो कोटिंग करनी वो हम रेडी कर लेंगे। तो मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास मैदा है, इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जाएगा लाइक 1/2 पिंच, और 1/2 पिंच, 1 पिंच जो है हमारे पास पेपरिका गया, थोड़ा सा नमक इसके अंदर गया, इन हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये हो गया हमारी ब्रेडिंग रेडी। इसमें हम लेग पीस उठा के रखेंगे और चारों रख लिए, इसको हम कवर करके बंद करके शेक करेंगे अच्छे तरीके से सारी, ताकि सारी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए। और ये देखिए, मैं सिर्फ सिंगल कोटिंग ही करूँगा, आप चाहें डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, पानी में इसको डाल के दोबारा इस तरीके से कर लें, लेकिन ये हो गई है ज़बरदस्ती मेरी पसंद की कोटिंग रेडी। तो इसको कर लेंगे फ्राई, हम इसे करेंगे 10 मिनट के लिए फ्राई, क्योंकि हमने इसको पूरी रात के लिए रखा था मैरिनेट करके, तो ये 10 मिनट में ही कुक हो जाएगा। आग मीडियम है, पहले गरम ऑयल था, और अब इसको हम 5 मिनट के बाद पलट लेंगे, और पलटने के बाद दूसरी साइड से पका लेंगे। तो 10 मिनट के अंदर हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक जो है वो रेडी हो गया है। इन्हें हम निकाल लेंगे, इसका ऑयल अच्छे तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके साथ साथ अब हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। मेरे पास 1 टेबलस्पून मक्खन था, उसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने गार्लिक डाला, ठीक है, कुटा हुआ गार्लिक था, लहसुन था, वो इसके अंदर शामिल किया है। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर शहद डालेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जाएगा चिली सॉस जाएगा, और इसके अंदर जाएगा कैचअप जाएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा इसमें बॉयल सा आने देंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे वापस, ताकि अच्छे तरीके से एक ग्लेजी सा कोट हमारे पास रेडी हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी चिकन शामिल कर देंगे। तो ये हो गया रेडी, हम अपनी ड्रम स्टिक्स में रखेंगे और उनको अच्छे तरीके से फोल्डिंग स्टाइल में लपेट लेंगे, ताकि इवनली उसके ऊपर अच्छा सा कोट इसके ऊपर आ जाए, और ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये हो रही है इसके अंदर कोट, और इसको हम करेंगे फाइनल सर्व और प्रेजेंटेशन के साथ। तो मैं इन्हें निकाल लेता हूँ और डिश आउट करता हूँ, और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसी बनी है। जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार, इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट विदाउट बेकिंग पाउडर, बहुत नरम, बहुत जूसी, फ्लेवरफुल, और आउटर साइड क्रिस्पी, अंदर साइड जो है वो जूसी, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह से। तो फ्रेंड, मैं करता हूँ इसको फिनिश और आपसे लेता हूँ इजाजत। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।